वी आर स्टार्टिंग द 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12th अभी हमारे पास चल रही है। हमारे पास ये फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी है, सबसे आसान सवाल है। ब्रदर आप थोड़ा यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखिए, आप डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर एक्स पुट कर दे, कोस एक्स पुट कर देते हैं तो ये आपके पास 2 cos² x - 1 हो जाएगा। और 2 cos² x - 1 किसका फॉर्मूला होता है? cos 2θ का, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं और मेरे पास पुट किया है, मैंने एक्स के प्लेस में cos θ पुट कर दिया। तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos²θ - 1 और ये पूरा का पूरा क्या होता है? cos 2θ का फॉर्मूला होता है। तो sec इनवर्स 1/2 और यहां पे आ गया है cos 2θ। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा हो गया हमारे पास cos 2θ का फॉर्मूला। तो हम cos 2θ को क्या करेंगे? ऊपर लेके आ जाएंगे। तो ऊपर लेके आए तो ये क्या बन गया यहां पर? sec 2θ। ये क्लियर है? तो आपके पास ब्रदर आप देखिए कितने आसानी से आ गया है 2θ। और थीटा की वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट करेंगे? cos इनवर्स x, यहां से। तो y इक्वल टू आपके पास हो गया 2 cos inverse x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो गया है? dy/dx = 2 और यहां पे आ गया है d/dx और cos इनवर्स x। याद है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले माइनस वन आता है, -1/√1 - x² और मैं यहां पर मल्टीप्लाई में 2 भी है तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूंगा? -2/ ये √√1 - x², दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप काफी आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा। अगर ये अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।